वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कप्तान स्टाइल में लॉन्ग कुर्ती बनाकर दिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने ये कॉटन चुन्नी ली है। ये वर्क वाली चुन्नी है, इसके साइड में भी डिज़ाइन पट्टी लगी है, नीचे भी। इसकी जो लेंथ है ये डबल में 42 इंच है, डबल में 42 इंच लेंथ है, 42 इंच लंबी मैं कुर्ती बनाऊंगी। और जो इसकी चौड़ाई है ये 34 इंच है, 34 इंच चौड़ाई है और 42 इंच लंबाई है। ये चुन्नी को मैंने ये एक बार ऐसे फोल्ड करके रखा है, सीधा ऊपर की तरफ है। अब इसको यहाँ से एक बार ऐसे फोल्ड कर लो, इसकी लेंथ तो मैंने बता दी 42 इंच लंबी मैं बना रही हूँ। और इसकी जो चेस्ट है वो 40 इंच है, और कमर है 36 इंच, और हिप है 44 इंच। तो यहाँ ये हमारा बंद हिस्सा रहेगा, ज्वाइंट रहेगा। ये कप्तान स्टाइल की कुर्ती में यहाँ बंद रहता है। सबसे पहले हम यहाँ से गले का निशान लगाएंगे। ये आपको जितना लंबा लेना है और चौड़ाई जिस हिसाब से आप, अगर थोड़ा सा लूज़ में बना रहे हैं उस हिसाब से लेंगे। मैं इसके 3.5 इंच पे ये ऊपर से चौड़ाई और इसकी लंबाई भी 3.5 इंच। ये गले को आप दूसरे स्टाइल में भी बना सकते हैं, जैसे 3.5-3 पे मैं इसको गोल करके काटूंगी। ये गले के लिए मैंने ये निशान डाला है। अब इसके बाद इसके जो मुड्ढे की जो लेंथ लेंगे हम, वैसे 40 इंच में यहाँ पे 7-7.5 इंच रहती है, लेकिन इसमें हम 1.5 इंच थोड़ा खुला रखते हैं, ये बाजू थोड़ी ढीली रखने के लिए। तो यहाँ से मुड्ढा मैं ले रही हूँ 9 इंच, ये 9 इंच। अगर चेस्ट कम है, 36 इंच है, तो आप 8 ले सकते हैं, इससे ज़्यादा तो 10 इंच कर सकते हैं। और एकदम फिटिंग चाहिए तो 8 पे लगा सकते हैं ये यहाँ से। अब यहाँ पे मैं इसका चेस्ट का हिस्सा लूँगी, ये यहाँ से 40 इंच है तो इसका 1/4 भाग होगा 10, और 10 में आधा प्लस कर देंगे 10.5 इंच। ये 9 इंच छोड़ के हमने, मुड्ढा छोड़ के यहाँ से 10.5 पे लगाया है, और यहाँ पे अब ऊपर से 14 इंच पे हम कमर लेंगे। कमर है इसकी 36, तो इसका 1/4 हिस्सा और 1/2 इंच प्लस कर लेंगे 9.5 इंच, ये यहाँ पे। अब इस निशान को और इस निशान को मिला देंगे, ये। अब इसके बाद यहाँ से हम जो चाक लेते हैं, यहाँ से 13.5 या 14 इंच पे यहाँ एक निशान डालेंगे। ये हमने जो चेस्ट का निशान लगाया है, इससे आगे 13.5 या 14 पे डालेंगे, और जो हिप है इसका 1/4 भाग करेंगे। 44 हिप है तो इसका 1/4 भाग है, 44 का 1/4 है 11 इंच, ये यहाँ पे यहाँ तक। अब यहाँ इसको हल्की गोलाई देते हुए ये निशान को मिलाएंगे। इसको आप सीधा भी मिला सकते हैं। इसके बाद ये गले का जो हमने निशान डाला है, ये आप अपने मर्जी से लंबा चौड़ा ले सकते हैं। यहाँ से मैं इसको काट दूँगी। ये काटने के बाद ये जो हमने निशान डाला है, यही सेम निशान हमने उस तरफ भी डालना है।
तो ये सबसे आसान है, इसको यूं रख लेंगे हम पलट के, और फिर यहाँ से हम 9 इंच लेंगे जैसे हमने उस तरफ लिया है 9 इंच पे, और ये 10.5 इंच, ये यहाँ पे, फिर यहाँ से 14 इंच, और यहाँ पे वही जो हमने उधर 9.5 पे लगाया है। ये हम इसको मिला देंगे बिल्कुल जैसे हमने उस तरफ निशान डाला है वैसे ही इस तरफ भी निशान लगाना है। फिर यहाँ से हमने जहाँ हमने चेस्ट का लगाया है यहाँ से जिस 14 इंच पे हमने लगाया है वैसे ही जैसे कुर्ती में लगाते हैं, और यहाँ पे फिर 11 इंच, ये 14 जब हमने ये सीध में इसके बिल्कुल, और यहाँ फिर इसको हल्की वही जैसे अगर उधर गोलाई दिया तो यहाँ भी हल्की गोलाई देंगे, इसमें कोई कटिंग नहीं होगी, और बस इसको सिलना बहुत ही इजी है। यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी। इसको मैं ये सिलाई लगाऊंगी इधर सीधे में, ये सिलाई लगेगी, ये एक तरफ हमने ये सिलाई निशान के ऊपर लगा दी है, अब ऐसे ही ये दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। ये एकदम फिटिंग पे निशान हमने डाला है, ये हमारी दोनों तरफ सिलाई लग गई है। अब ये गला हम अंदर उल्टी तरफ इसको फोल्ड कर लेंगे, मशीन लगाएंगे इस पर, ये ऐसे इसको हम बिल्कुल बारीक फोल्ड करेंगे। बिल्कुल बराबर फोल्ड करना है, ये देखिए हमारी ये कप्तान स्टाइल लॉन्ग कुर्ती कितनी जल्दी तैयार हो गई है। ये मैंने पुरानी कॉटन चुन्नी से बनाई है, आप ये किसी भी पुरानी कॉटन चुन्नी से भी बना सकते हैं या कपड़े से भी बना सकते हैं, कपड़े पे बनाएंगे तो यहाँ पे ये जो लेस है ये सेम लेस मार्केट में मिल जाती है, आप इसी प्रकार की लेस इसमें डाल सकते हैं या कुछ और पीको वगैरह जो भी आपको जिस स्टाइल में आपको करनी हो आप इसको बना सकते हैं।
ये बहुत ही इजी है। ऐसे ही मैं आपको आगे भी और बहुत सारे डिज़ाइन बना के दिखाती रहूँगी। तो प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें।